नमस्कार, सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। और अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ सीधा मोरनी हिल। मोरनी हिल का पिछली बार मैंने आपको दिखाया था, एक नदी घग्गर नदी। पर इस टाइम जो है हम घग्गर नदी वाले एरिया में नहीं जा रहे हैं, हम उससे बहुत आगे जा रहे हैं, लगभग 1 घंटा आगे पड़ता है वो रास्ता जो है। तो उस 1 घंटे रास्ते में हमें आपको दिखाएंगे एक मोरनी हिल्स जैसे जगह है, जहाँ पर मोरनी रानी, शायद 2000 साल पुरानी बात है ये, तो मोरनी रानी कह के उनका एक महल है जिसे मोरनी हिल्स में बना हुआ है। तो वहीं पर अभी हम लोग जा रहे हैं, तो अभी आप लोगों को दिखाता हूँ वो मोरनी महल जो है, मोरनी फोर्ट भी बोलते हैं उसको। इस वक्त पंचकूला हरियाणा में, और आप लोगों को मैं बताऊँ कि अभी जो मैं ये रास्ता जा रहा हूँ ये पूरा जंगल का एरिया हुआ करता था। यहाँ पर रोड बनने के बाद अभी काफ़ी जगह देखने लायक हो गई है, बहुत ही सुंदर जगह भी हैं, कुछ गाँव भी बीच में पड़ते हैं, और काफ़ी धूल मिट्टी है। तो मैं कहूँगा कि धूल मिट्टी भी बहुत है, क्योंकि रोड बन रही है, पहाड़े कट रहे हैं, तो इस वजह से भी धूल मिट्टी बहुत है, काफ़ी मिट्टी के पाउडर उड़ेंगे यहाँ पे। और कुछ जगह बहुत ही सुंदर सुंदर आपको रास्ते में देखने को भी मिल रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ से सीधा मोरली हिल्स लगभग अभी 24 किलोमीटर के आसपास, और 24 किलोमीटर अभी मतलब लगभग 1 घंटा तो आप लगा ही लो। और बाहर से अगर चंडीगढ़ के रास्ते उधर से आते हो तो आपको 1-1.5 घंटा तो लग ही जाता है अंदर, तो वहाँ तक पहुँचने में। मोरनी हिल्स भी आपको देखने को मिलेगा, टिक्कर ताल भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, बहुत ही सुंदर जगह है। तो चलते हैं इसे सीधा। तो वैसे भी इतनी चढ़ाइयाँ चढ़ने के बाद एकदम टॉप पे आ चुके हैं, और ये है मोरनी फोर्ट जो है, और यहाँ पर इस टाइम म्यूज़ियम बना रखा है ये। अभी म्यूज़ियम में क्या क्या देखने को मिलता है अभी अंदर चलते, पहले आपको फोर्ट दिखा देता हूँ। ये है फोर्ट आपका जो है पंचकुला हरियाणा के अंदर में, पंचकुला के अंदर मोरनी फोर्ट जो है, और सामने लिखा हुआ है नेचर म्यूज़ियम, साथ में एक छोटा सा मंदिर भी बना रखा है यहाँ पर महादेव जी का, और जय श्री राम भी लिखा हुआ है, राम जी, महादेव जी, माँ काली। और ये है फोर्ट जो 5 बजे तक खुला होता है और 5 बजे के बाद बंद हो जाएगा, इसलिए हम पहले यहीं पर ही आ गए। फिर देखते हैं और कुछ दिखाने का टाइम मिला तो और कुछ भी आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में दिखा देंगे। ये है म्यूजियम के द्वार जो है, तो ये है म्यूजियम जहाँ पहले एंट्री करते साथ ही आपको मैं पहले दिखा दूँ ये पुराने स्ट्रक्चर जो बने हुए हैं, पहले ये दिखा देता हूँ आप लोगों को। और ये कहते हैं कि 2000 साल पुरानी है, मोरनी महारानी का ये बना हुआ महल था ये। ये 2000 साल पुराना है ये मोरनी महारानी हुआ करती थी यहाँ पे, मोरनी रानी थी, महारानी रानी, मोरनी रानी थी। अच्छा, तो ये उनका महल हुआ करता था ये जो अभी दिख रहा है इतना, इसमें ये जो सामने ये महल था। अच्छा, यहाँ से स्टार्टिंग यहाँ से, तो यहाँ से चलते हैं आपको दिखाते हैं अब। और ये आपका कुछ म्यूज़ियम के अंदर यहाँ पर एंट्रेंस ही लिखा हुआ है, इसमें कुछ चीज़ें देखने को शायद मिल जाएंगे अंदर, देखते हैं क्या क्या है यहाँ पर।
तो यहाँ पर अंदर आते आप लोगों को मैं दिखाता हूँ इस तरीके से बना रखा है, जहाँ पर डमी सारी रखी हुई है बातचीत की, यहाँ पर इस तरीके से दिखा रखा है। और अंधेरा इतना ज़्यादा है कि मेरा कैमरा फिर भी आप लोगों को थोड़ा बहुत तो दिखाई देगा, मेरे को तो आंखों से कुछ नहीं दिख रहा, पर आप लोगों को यहाँ पर कैमरे में नज़र आ ही जाएगा। तो एक वक्त ये सारा जंगल का इलाका हुआ करता था, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ देखने को मिल जाया करती थी ये चीज़ें, और अभी भी इक्के दुक्के थोड़े से मिल जाते हैं कुछ जानवर, सारे तो नहीं खैर। अब पूरा यहाँ का जो जंगल था वो सारा काट दिया गया और रास्ता बना दिया गया है, तो साइड साइड में थोड़े बहुत जंगल देखने को मिल ही जाते हैं। और सोच सकते हो कि यार 2000 साल पुराना ये किला अभी भी देखभाल की वजह से खड़ा है यहाँ पे, और ये अभी तो मैं आप लोगों को यहाँ पर अंदर कुछ चीज़ें जो है म्यूज़ियम का कुछ जगह जो है मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये पूरा म्यूज़ियम बना दिया गया अब तो। तो किस तरीके से जानवरों को पकड़ा जाता था उस टाइम पर, ये देखो ये दिखा रखा ना, इस तरीके से जानवरों को पकड़ने के लिए लगाया जाता था। वहाँ सारे वेस्ट वहाँ रखे हुए हैं, उसमें ई कचरा जो लिखा हुआ है सामने, वनों की कटाई को रोकने के लिए। और पानी में किस तरीके से कचरा फेंकने की वजह से ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं वो सारा दिखा रखा है यहाँ पर। तो ये जगह देखने के लिए तो अच्छी है, देखने लायक जगह है, यहाँ पर आ सकते हैं लोग देखने के लिए। और फिर इतना पुराना किला तो देखना ही चाहिए आप लोगों को आके, चाहे छोटा ही सही पर 2000 साल पुराना मायने रखता है आप लोगों को, 2000 साल पुराना जो रानी का किला है ये। और यहाँ पर लिखा हुआ ना विनाश की ओर, किस तरीके से विनाश की ओर चले जाते थे लोग, हिंसा जो है विनाश की ओर ले जाता है, ये दिखाया गया है यहाँ पर, पेड़ काटना ये सब। और यहाँ पर लिखा हुआ विकास, तो पुराने टाइम में जो आदम क्या बोलते हैं उन लोगों को आदिवासी, किस तरीके से उन्होंने विकास की ओर गए, किस तरीके से आग जलाना सीखा, कैसे खाना बना पका के खाना शुरू किया, ये दर्शाया गया है यहाँ पे। सेवस, इसमें चलते हैं अंदर क्या चीज़ है। बहुत तरीके से इस चीज़ को संजोया गया, ये चीज़ अच्छी लग रही मेरे को, क्योंकि किले के
ऐसी जगह हमेशा मैंने जितने भी किले देखे हो उनमें ये चीज़ ऐसे गंदगी भरा होता था, कड़ा मतलब कूड़ा कबाड़ सारा भर के रख दिया जाता था। तो इन्होंने म्यूज़ियम बनाकर इसको कितनी सुंदरता से संजोया हुआ इस चीज़ को, तो ये देखने लायक चीज़ है। अभी थोड़ी सी जुबान लड़खड़ा रही है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि जुबान सूख चुकी है। थोड़ा सा पानी पीते हैं और थोड़ा कुछ खाने पीने का भी देखते हैं। अभी काफ़ी टाइम हो चुका है, हमें भी लंबा सफ़र चल के आ रहे हैं हम भी। यहाँ तक आने हैं पूरे 4 घंटे लग गए रास्ते में। और उत्पत्ति, ये यहाँ लिखा हुआ उत्पत्ति, तो मतलब हर चीज़ का एक एक मतलब निकाला हुआ है। जिस तरीके से इन्होंने फ़ोटो दिखाई है, या किस तरीके से उत्पत्ति हुई, देखो बच्चे से बड़ा हुआ, इस तरीके से सब दिखाया हुआ है यहाँ पे, कैसे उत्पत्ति हुई थी इन चीज़ों की जंगलों में। और ये पता नहीं पुराने टाइम की बग्गी है क्या है, जो भी है। और ये सेंटर में बना रखा है इन्होंने, इसमें जीव वगैरह बना रखे हैं। किले के बाहर की तरफ देखते हैं थोड़ा सा। तो ये गेट किले के बाहर की तरफ जा रहा है। यहाँ से क्या दिखता है, अच्छा यहाँ पे नीचे क्वार्टर्स बने हुए हैं। एक वक्त यही किला होता होगा, आसपास और कुछ नहीं होता होगा। यार 2000 साल पुराना ये किला बता रहे हैं, हो भी सकता है, मेरे को तो इतना पता नहीं भाई। अब जो बताया हुआ है तो उसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। 2000 साल पुराना मोरनी रानी का महल हुआ करता था ये। तो यही था मोरनी हिल्स का, जो मैं एक बार जाते जाते आप लोगों को पूरा घूम के दिखा देता हूँ। तो ये था मोरनी फोर्ट जो मैं अभी दिखा रहा था आप लोगों को, ये पंचकुला हरियाणा में है। और यहाँ पर आप लोग जब भी आते हैं तो 5 बजे से पहले आना, क्योंकि 5 बजे बंद हो जाता है ये जो है म्यूज़ियम। हाँ हरियाणा का नक्शा जी। हाँ जी सूर्य। हाँ जी उत्पत्ति। ये उत्पत्ति हुई थी वो दिखाया गया, विकास, और ये सामने जो विकास हुआ वो दिखाया गया। जानवरों से हम मानव बने। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों से उत्पत्ति हुआ सृष्टि। ये पेड़ पौधे काट दिए, जानवर मार दिए। हाँ वहीं पर विनाश शुरू होना शुरू हो गया। ये विनाश, हमने पेड़ पौधे लाने ज्यादा से ज्यादा, और अपने भविष्य देश को बचाना है, ऑक्सीजन हमारे लिए जरूरी है। तो अभी भाई जी ने अभी जो बताया आपने सुना, तो यही है कि आप लोग जितना पेड़ काटोगे, जितनी धरती को काटते रहोगे, उतना विनाश खत्म होना ही होना है। तो सृष्टि को बनाए रखने के लिए आप जितना हो सके पेड़ पौधे उगाएं, और ऑक्सीजन जरूरी है हमारे लिए। यही कि अगर पेड़ पौधे होंगे तो ऑक्सीजन मिलेगा। और ये जो आप देख रहे हैं ना, इसी में ही किले जो बना हुआ था एक, ये आपको दिख रहा होगा ना कि उस टाइम पर ये किला जो है आज के टाइम के हिसाब से छोटा ही लग रहा होगा आपको। तो ये जो है इसमें 5 मंजिला बना रखा है, ये जो है 5 मंजिले में ऊपर राजा जी रहा करते थे। और ये जो सीढ़ियाँ देख रहे हैं, ये ऊपर सीढ़ियों में राजा ऊपर जाने के लिए रास्ता बनाया हुआ था। हाँ जी हाँ जी। ये सिरमौर के राजा का किला है जी, नहाण वाले राजा का। अच्छा है जी। तब वहाँ गोरखों ने राजधानी पे कब्जा किया था, तो ये किला छुपने के लिए बनाया था उन्होंने। अच्छा। गोरखों के बाद इवर बना के उरे रहे वो, तो उनको अंग्रेजों को दिया गया ये। फिर अंग्रेजों ने मीर जाफर अली के प्रावधान को दिया गया है जी।
वो बाहर लिखा है मीर जाफर अली के प्रावधान को दिया गया था। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये जो है इसमें रहने का जो राजा जी का ऊपर वाला हुआ करता था, पांच मंजिल था, पांचवी मंजिल में था। और ये रानी कहाँ रहा करती थी इसमें? रानी ये है, रानी का ये वाला जो है इसमें रहती थी। रानी का बंगला तो और जगह था। अच्छा 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 अच्छा। वो रानी कहीं और रहा करते थे और इनका यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ तो एक कचहरी थी। हाँ हाँ ये अच्छा अच्छा, कचहरी लगती थी राजा का दरबार। हाँ जी दरबार। अच्छा, पर इसको मोरनी फोर्ट ही कहा जाता है। हाँ, मोरनी किला फोर्ट। हाँ किला था ये, फोर्ट इसकी संभाल के लिए बनाया। ये उस समय ये बग्घी चलती थी। हाँ उस टाइम राजा बग्घी पे चलते। ये उस टाइम का ये बग्घी जो है, ये 2000 साल पुराना तो नहीं लगता। ये तो दिखाया गया। हाँ वैसा हुआ करता था उस टाइम। गाड़ी रास्ते सड़कें नहीं थी, ऐसे बना के रास्ता खोद के बना के फिर चलाया करते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ जी। अच्छा जी, थैंक यू। और ये मोरनी रानी की स्टैचू बना हुआ, ये वाला जो है, ये जो स्टैचू आप देख रहे हैं बैठे हुए, तो ये मोरनी रानी का स्टैचू है और इसे मोरनी फोर्ट कहा जाता है। तो बाकी आपको बुजुर्ग ने जो आपको बताया, आपने सुन ही लिया होगा कि ये एक यहाँ कचहरी लगा करती थी। दोस्तों आप लोगों ने देख लिया ये फोर्ट, और फिर यहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय, हैव अ नाइस डे। तो कोशिश करूँगा कि आप लोगों को मैं यहाँ का टिक्कर ताल भी दिखा सकूँ। अभी जब मैं पंचकुला में हूँ तो यहाँ आप पढ़ सकते हैं आराम से इस मोरनी किले के बारे में जो है। और किले के बाहर ही कुछ पौधे लगा रखे हैं जो आप देख सकते हैं। यहाँ पर अश्वगंधा का पेड़ भी है, उधर रुद्राक्ष का पेड़ लगा रखा है जंगले के अंदर, और ये तुलसी, राम तुलसी जो है, ऐसे कई चीजें हैं जो लगा रखी हैं, औषधि जो मानी जाती है। ये नीलगिरी सफेदा है, और ये नीलगिरी सफेदा ये वाला पेड़ जो है। तो बढ़िया तरीके से बना के रखा हुआ है इस किले के चारों तरफ भी, तरीके से इसको बना के रखा हुआ है। एलोवेरा भी उगा रखे हैं। एलोवेरा लगा दिया, बहुत बढ़िया। एलोवेरा, एलोवेरा कौन सा है ये? इसकी वैरायटी कहीं एक वाइट होती है, एक इसमें थोड़ा सा एलोवेरा है जो ज्यादा मोटा होता है, वो उतनी अच्छा होता है। अच्छा, ये बेस्ट क्वालिटी है। अच्छा, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। जैसे लहसुन भी दो किस्म के होते हैं। हाँ जी, हाँ, एक नीला लहसुन होता है। हाँ, एक मोटा लहसुन होता है, वो ठीक नहीं होता। जो ब्रीक लहसुन होता है वो गुणाकार है। अच्छा अच्छा अच्छा। एलोवेरा वो तो मोटा वाला कहते हैं, गठिए के लिए होता है कहते ना। हाँ, गठिए के लिए भी नीले वाला होता है। गठिया क्या होता है? उसके ऊपर डंडी में ब्रीक ब्रीक गुंदियां आती हैं, डंडी बनती है, उसके ऊपर वो गठिये का होता है। वही वही वही। ये लेमन ग्रास टी चाय। अच्छा अच्छा, ये लेमन ग्रास, ये लेमन ग्रास है। लेमन ग्रास हमने लगाई थी।